शेर सरप्राइज करना मेरी। वो पानी पी रही हूँ, उसकी चीनी नहीं गुली इसलिए मैं चीनी गुली। अब खाने के लिए आ जाओ, थाली में ही खाने लग गई जिसमें बनाया था। खुशी ने तो बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम जोशी उत्तराखंड पौड़ी से और मैं आ गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैं दिन भर में क्या क्या करूँगी और बच्चे क्या क्या करने वाले हैं आज, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन बच्चों की होती है शैतानियाँ। तो बने रहिए मेरी पूरी वीडियो पे और देखते आगे क्या क्या होता है और क्या क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं बनाऊँगी आज दाल, हर हर मलका, और उसमें लौकी डाल के उसको मिक्स करके मैं दाल बनाने वाली हूँ आज। ये देखिए, मैंने ये कप हमें मिले थे जब हमने वॉशिंग मशीन इस समय धनतेरस पे ली थी, तो उसमें हमें ये गिफ्ट मिले थे, तो लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आए तो हमने ऐसे ही यूज़ कर लिए कि किसी न किसी काम में इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हरी मिर्च पीस के मैंने इसमें रख दिया है और इसमें लहसुन पीस के मैंने मिक्सी में पीसा और इनको इसमें भर दिया है। तो जब भी ज़रूरत पड़े एक एक चम्मच हम यहाँ से निकाल लेते हैं और डाल लेते हैं। अपनी अपने लिए भी सुविधा है कि कूटना ना पड़े, तो उससे बढ़िया है कि मिक्सी में पीस के उसको मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है और फ्रिज में इसको मैं रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। अब मैं बनाती हूँ दाल। तो अब मैंने खाना बना दिया है और खाना खा दिया है। अब मैं धो रही हूँ कपड़े, तो कपड़े मैंने सारे इकट्ठे किए बोले सबके, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें एक बार डाल दो तो ये फिर खुलता नहीं है। तो मैंने इसमें सबके कपड़े डाल दिए हैं, ये देखिए अंदर। अब मैं इसको कर दूँगी बंद तरीके से, बस ये बंद हो गया, अब ये खुलेगा नहीं। जब इसमें से पूरे कपड़े सूख के निकलेंगे तभी ये खुलेगा। तो अब मैं इसको ऑन करती हूँ ऊपर से, देखिए मैंने कर दिया है ऑन। अब इसमें करेंगे यहाँ से डालते हैं, इसमें यहाँ से ऑन कर दिया है। अब इसको मैं सेट करूँगी, तो कपड़े थोड़ा कम है, नहीं तो ये एक घंटा लगाती है, तो इसको आधे घंटे में कर दूँगी। ये है 30 मिनट, तो ये 30 मिनट में मुझे कपड़े धो के और सुखा के ये मुझे दे देगा। तब तक मैं इसको करती हूँ अब ऑन यहाँ से। बस अभी हो गई है, मतलब ये चलने लग गई है। ये अब 30 मिनट में मैं इनको सुखा के, मतलब ये सूख के दे देगी मुझे, तो मैं तब डाल दूँगी बाहर पे। और अब मैं देखती हूँ कि मशीन में कितने मिनट रह गए हैं। तो ये देख लीजिए आप, अभी रह गए हैं 13 मिनट, ये रहे 13 मिनट। इसके बाद मैं आऊँगी और ये एक आवाज़ करती है कि कपड़े सूख गए हैं, तब आऊँगी मैं यहाँ पे, तब दिखाऊँगी आपको कैसे कपड़े सूखते हैं। और रह गया है 1 मिनट, अब हो गया है एंड। देखो जब ये इसमें कपड़े सूख जाते हैं तो ये खुद ही एक आवाज़ करता है कि कपड़े सूख गए हैं, एंड हो गया है। अब मैं यहाँ से करूँगी बंद, ऊपर से मैं इसका स्विच ऑफ करती हूँ। अब मैं निकालूँगी यहाँ से कपड़े, अब देखना आप कैसे कपड़े निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए अब ये सुखा के देगा हमें कपड़े, देखिए एक एक करके निकालने पड़ेंगे नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। पूरे सुखा के ये कपड़े देगा हमें। मैंने अब निकाल दिए हैं कपड़े, ये भर गई है बाल्टी। अब मैं इसको कर दूंगी बंद, बस अब कपड़े डाल के आती हूँ छत। क्या कर रहे हो? मैं बैठी। दिखाओ पीछे क्या है? खा दिया मैंने। अच्छा, खुशी खाना खाने के बाद ला गए यहाँ पे नमकीन का पैकेट। अभी मत खोलना है, बाद में खोलेंगे। खुशी ये क्या है? कॉपीज। अच्छा खाओगे? अच्छा लगता है आपको? तो खुशी ने पकड़ रखे हैं हाथ में। यहाँ से काट रहे हैं झाड़ियाँ और तोर ये पकी नहीं है अभी, लेकिन वैसे ही काट रहे हैं इसके मटर में लगाने के लिए लकड़ी, तो मटर ताकि उसके ऊपर जाए उसकी बेल, तो इसलिए इसको काट रहे हैं अभी। ये खुशी यहाँ पे मस्ती कर रही है, संडे है तो इसकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे खुशी, तो यहाँ पे आ गई हैं ये लकड़ियाँ। अब इनको मैं मटर पे लगाऊंगी, जो मटर की बेल हैं उनके नीचे मैं लगाऊंगी ताकि उसकी बेल इसके ऊपर जाए। तो ये देखिए अब खेत में मम्मी जी काट रही हैं यहाँ पे ये, तो ये देखिए यहाँ से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी जो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, इसकी ठंड इधर को आती पौड़ी की साइड, तो बहुत ठंडा यहाँ पे होता है और बहुत ठंडा हो चुका है अब नवंबर से स्टार्टिंग, और ये रहेगा फरवरी तक। फरवरी तक यहाँ पर इतनी ठंड रहती है। ये देखिए सामने ठीक बर्फ़ पड़ी हुई है, पूरा यहाँ से दिख रहा है पूरे आगे का नज़ारा। तो अब धुल दिए मैंने कपड़े, बना दिया खाना, खाना भी खा दिया है। अब खुशी क्या कर रहे हो आप? अभी तो आपने नमकीन खाया, अब क्या कर रहे हो? अब खुशी बताइए आपको, आप खुशी क्या कर रही है संडे के दिन? अभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ।
हमारे बना इसकी चीनी नहीं घुली इसलिए मैं चीनी घुल दी हूँ। बनाओ पियो पियो। संडे के दिन कैसा लग रहा है, खुशी आपको घर में? बहुत अच्छा। तो बच्चे कितने खुश होते हैं घर में रह के, आज संडे है तो खूब मस्ती कर रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ माल्टे की खटाई, तो माल्टे की खटाई देखते हैं कैसी बनती है। कैसे होंगे ये खट्टे या मीठे? अभी मैंने चखी नहीं है, देखते हैं मीठे होते हैं। खुशी बोल रही है, खुशी भी देखो अपनी शैतानियाँ लगी हुई है करने में। तो खुशी की तो आज संडे के दिन बहुत सारी शैतानियाँ हो जाती हैं। देखिए चीनी मत खाओ, मिर्च डाल दी है थोड़ी थोड़ा, मैं डाल दूँगी नमक इतना बहुत है। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी, जिससे कि इसका खट्टापन दूर हो जाए। चीनी ज़्यादा तो नहीं है, डाल दो सारा, डाल दी हमने सारी। अब हम आपको बताएंगे खा के कैसी हो रही है। तो खटाई बनके हो गई है तैयार, अब खाने के लिए आ जाओ सब। खुशी को दिखाओ तो खुशी तो थाली में ही खाने लग गई जिसमें बनाया था। खुशी ने तो बहुत हेल्प की माल्टे छीलने में मेरी, तो खुशी ने ये बना दी है, खा रही है। चलो अब ले लो अपना। तो ये मैं खा रही हूँ खटाई, बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन धूप जाने वाली है, शायद थोड़ी देर कर दी हमने, थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन धूप ढूंढ ढूंढ के किनारे किनारे चल पड़ रहा है। कैसे हो रही खुशी खटाई? अच्छी हो रही है। अच्छा रे काका, बहुत ठंड मजा आ रहा है। रेसिपी तो चिली पनीर के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च काट रखी हैं और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। तो इनको मैं आप बताती हूँ किस तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। मैंने टमाटो सॉस और सोया सॉस भी मिक्स कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा चलाते रहना है। उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर देना है, मसाले भी ऐड कर देना है, थोड़ा नमक, हल्दी, धनिया, ये मसाले को मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें डालते हैं पनीर, अब मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है। अब इसको हल्के हल्के ऐसे एक साथ मिलाएंगे, थोड़ी देर तक मैं ऐसे मिलाते रहूँगी इसको, फिर ये अच्छे से एक साथ मिल जाएगा। और थोड़ा इसको और मतलब ऐसे चलाते रहूँगी थोड़ी देर तक, फिर चिली बन पनीर बन के हो जाएगा तैयार। तो अब हो गई है चिली पनीर बन के तैयार, तो अब देखते हैं कैसी बनी है, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी हुई है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट, घर में ही होटल जैसी पनीर आप बना सकते हैं चिली पनीर। तो यहीं पे आज मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, कल फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को। हाँ क्या पी रही है? चाय। चाय पी रही हूँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड, कल फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।